हो सकता है कि आप या आपके पहचान में कोई ना कोई शाकाहारी हो, तो हमने सोचा एक नई सोच पर प्रयोग हो जाए। क्या होगा अगर दुनिया में सारे लोग अचानक से शाकाहारी हो जाएं? हमारे जीवन में और हमारी पृथ्वी पे इसका क्या प्रभाव होगा? नमस्कार, मैं मुक्तेश मॉडर्न बाबा से अगर के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। दुनिया में शाकाहारी लोगों की तादाद बहुत कम है। अमेरिका और कनाडा में 4-5% लोग ही हैं और भारत में 30% से ज्यादा, जिसके परिणाम स्वरूप इस पृथ्वी में 20 अरब चिकन हैं, 1.5 अरब गाय, 1 अरब से ज्यादा भेड़ और लगभग 1 अरब सुअर है। जब इस दुनिया में कोई मांसाहारी मनुष्य बचेंगे ही नहीं, तो सबसे पहले ये सारे जानवरों का समूह बिखर जाएगा, जिससे बहुत बड़े मात्रा में जमीन खाली हो जाएंगे। अगर पूरी दुनिया के आंकड़ों को मिला दिया जाए तो 3.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर जमीन चारागाह के लिए इस्तेमाल होती है, मतलब लगभग अफ्रीका के आकार के बराबर। इसमें हमने ऐसे खेतों को नहीं जोड़ा है जहां इन जानवरों को खिलाने योग्य अनाज की खेती होती है। इनमें से कुछ हिस्से का इस्तेमाल अनाज और सब्जी की खेती के लिए होगा, पर ज़्यादातर जमीन बंजर होने की कगार पर है। अगर हम इन ज़मीनों पर ज़रूरी पोषक तत्व नहीं मिलाए तो ये ज़मीन रेगिस्तान बन जाएंगे, और अगर हम अच्छी तरह से प्रबंधन कर लें तो ये ज़मीन घास के मैदान या जंगल बनकर अपने प्राकृतिक रूप में वापस आ सकते हैं, जिससे वैश्विक जलवायु परिवर्तन की समस्या से लड़ने में बहुत सहायता होगी। आखिर कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने वाले पेड़ों का कम होना ही वैश्विक वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने का सबसे मुख्य कारण है। गाय और दूसरे चरने वाले पशु भी मीथेन के उत्पादन से हमारे वातावरण को प्रभावित करते हैं। इस मीथेन की जलवायु में गर्मी बढ़ाने की क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड से 25% ज्यादा होती है। जंगलों की कमी और दूसरे प्रभावों को मिलाते हुए पशुपालन से 15% वैश्विक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। इतना तो पूरे विश्व के हवाई जहाज, ट्रेन और गाड़ियों को मिलाकर भी नहीं होता। इसी वजह से कई वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने का सबसे अच्छा रास्ता होगा मांस की खपत में कमी करना। शाकाहारी होने से पानी की खपत में भी कमी आएगी। इस पृथ्वी के ताज़ा पानी में से लगभग 70% सिर्फ कृषि में ही उपयोग होता है। 1 किलो गाय के मांस में 15,000 लीटर पानी लगता है, सुअर के मांस में 6,000 लीटर और मुर्गे में 4,000 लीटर, जबकि मात्र 1600 लीटर प्रति किलो अनाज में, 900 लीटर फल में और 300 लीटर सब्जियों के उत्पादन में लगता है। बेशक 1 किलो मांस में 1 किलो फल की अपेक्षा ज्यादा कैलोरी होती है, पर अगर हम प्रति कैलोरी पानी की खपत को देखें तो भी गाय का मांस फलों से ज्यादा, सब्जियों से 7 गुना ज्यादा और अनाजों से 20 गुना ज्यादा खपत करता है। तो क्या शाकाहारी बनने से कुछ नुकसान है? अगर हम पशुपालन बंद कर देंगे तो उससे हमको जो बाय प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो बंद हो जाएंगे, जैसा कि जानवरों से लेदर, पशु चर्बी जो कॉस्मेटिक्स, मोमबत्ती और डिटर्जेंट में इस्तेमाल होते हैं। चूंकि सारे लोग शाकाहारी होंगे, ज़्यादातर ज़मीन का इस्तेमाल खेती के लिए होगा और कम ही ज़मीन अपनी प्राकृतिक स्थिति में वापस आ पाएंगे। एक गंभीर विषय ये भी है कि पशुपालन और प्रसंस्करण 1 अरब से ज़्यादा लोगों का मुख्य और एकमात्र काम है, जिसमें से ज़्यादातर लोग छोटे किसान हैं। कुछ तो दूध, अंडे या सब्जियों से अपना व्यापार कर लेंगे, पर बहुत से लोगों की ज़िंदगी थम जाएगी। बेशक शाकाहारी बनने की प्रक्रिया अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे होगी, पर हैरत की बात है कि आंकड़े कुछ और दर्शाते हैं। भारत और चाइना जैसे देशों में लोग अमीर होते जा रहे हैं और मांस की खपत में बढ़ोतरी हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप दूसरे देशों में कमी का वैश्विक स्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का क्या विचार है? हमको शाकाहारी बनना चाहिए या नहीं, कमेंट करके बताएं। और ऐसे ही ज्ञानपूर्ण वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।